अब नहीं हो पा रहा है यार, मुझसे भी नहीं हो पा रहा। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं और तुम मुझे इतनी छोटी छोटी चीजों पर इतना इरिटेट कर देते हो ना यार। और ये तुम्हारी हर बात पे इतना लाउड होने की आदत आना, ये सबसे ज्यादा मुझे इरिटेट कर देती है। और तुम छोटी छोटी बात पे जब मैं इमोशनल होती ना तो मुझका मजाक उड़ाते, तो मुझे बिल्कुल इंसल्टेड फील होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, मुझे नहीं रहता तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें झेल के परेशान हो गया हूँ, तुम सारी मेरी एनर्जी ड्रेन कर देती हो। और तुम ना मेरा मेंटल पीस। मेंटल पीस गया भाड़ में, हर बात पे तुम्हारा मेंटल पीस का नाटक शुरू हो जाता है। मेंटल पीस तेरे ड्रामा है? तुम जैसे लोग हैं सोसाइटी में जिसकी वजह से लोग मेंटल पीस के बारे में बात नहीं कर पाते, क्योंकि तुम लोग उनका मजाक उड़ाते हो। मेंटल पीस के बारे में कमजोर लोग बातें करते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? कमजोर लोगों के लिए दुनिया नहीं बनी है, तुम जैसे इनसेंसिटिव लोगों के लिए बनी है जिनके लिए मेंटल हेल्थ एक ढकोसला है। बस कॉलेज जाके अंग्रेजी का बोल नहीं आ गई, पता ही कौन सी नई नई टर्म लेके आ जाती हो। मेरी माँ मुझे बख्श दे, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो तुझे क्या लगता है मैं मरी जा रही हूँ तुझसे बात करने के लिए? पता नहीं कौन सा ग्रह खराब चल रहा था जब तुझसे बात की मैंने और तुझे बॉयफ्रेंड बनाया अपना। लिटरली मुझे नहीं रहना ऐसे स्टूपिड बंदे के साथ में। मेरी मती मारी गई थी यार, चुप ही नहीं होता ये बंदा, बड़ 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 करता रहता है लिटरली। मैं बोलती थोड़ी देर के चुप हो जा, मुझे बख्श दे, पर नहीं, बंदे को ऐसा आराम से सांप की तरह जहर उगलते रहना और एक्सपेक्ट करता कि मैं बहुत अच्छे से रिएक्ट करूं उस पे, तो पागल ही होंगी ना मैं। प्यार से जहर उगलने वाला सांप है तू, और मेरे से एक्सपेक्ट करता कि मैं आराम से रिएक्ट करूं। इतना नार्सिसिस्ट है ना तू, बिल्कुल नार्सिसिस्ट बंदा है तू एकदम। अब ये फिर नार्सिफासे शुरू हो गया। हे भगवान, क्यों तूने मुझे इतनी अंग्रेजी बोलने वाली बंदी पकड़ा दी? तेरे से अच्छा था ना कोई गांव वाली सीधी साधी लड़की पटा लेता, एटलीस्ट तेरे तरह ये चटरपटर अंग्रेजी ना बोलती। तुमने तो मेरा जीना ही मुहाल कर दिया है। तू पता क्या कर, तू ना सीधा गांव चला जा, वहां किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले, मेरा पीछा छोड़ दे। पता नहीं सांप की तरह कुंडली मार के बैठा है मेरी लाइफ में और निकलने का नाम ही नहीं लेता, जाने का नाम ही नहीं लेता। कम से कम मुझे कुछ शांति तो मिलेगी लाइफ में। क्या हो गया, कुछ चुप क्यों हो गया, बोलता क्यों नहीं कुछ? सुन रहा हूँ, ये देख आज से सही चल रही है। तूने नया फोन लेना था ना, आईफोन ले रही थी, तो कह रही थी कि मैंने आईफोन लेना है यार, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो पागल पागल है क्या? सेल से पागल लोग सामान खरीदते हैं, क्या हो गया तुझे? अभी दो मिनट पहले हमारा ब्रेकअप होने वाला था, तू डायरेक्टली सेल पे स्विच कर गया। हाँ तो तूने ब्रेकअप करना था क्या? तो तू मुझे परेशान क्यों कर रहा था? क्यों कर नहीं सकता? अच्छा मैं तुझे परेशान कर रही थी ना, तुझे क्या लगता है मैं इतने सालों से तेरे पीछे लगा हूँ, तेरे साथ रह रहा हूँ, कि मैं तुझे इतनी जल्दी छोड़ दूंगा और अपने गांव चला जाऊंगा? ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दे, तुझे सिर्फ मेरे साथ रहना है और मेरे से दूर जाना है, तुझे बिल्कुल अलाउ नहीं है। अच्छा तो हमेशा मुझे मना लेगा? मनाऊंगा नहीं, याद दिलवाऊंगा कि तूने इतने सारे साल अपने पीछे लगवा के कटवा दिए हैं, अब तो कोई नई बंदी भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए ना तो तुझे मेरे साथ ब्रेकअप करना या छोड़ के जाना अलाउ नहीं है। अच्छा और मुझसे तंग हो कि तूने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो? हाँ तो फिर जो तुझे सही लगे वो कर लेना। अच्छा अगर तूने मेरे साथ ब्रेकअप किया ना तो तू देख लेना, पूरी सोसाइटी में तेरी शक्ल नहीं दिखा पाएगा अपनी, समझा? माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। चल सेल का बता अब। ये देख, ये लेगी फोन? हाँ ये स्पेसिफिकेशन बता ना इसके क्या क्या। We'll be right back.